हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डिजिटल एक्सपोर्ट टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। सो आज के पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। हमारे पास एक विंडोज 7 का पीसी है और इसमें फ्रेंड्स मैं विंडोज 10 का आईएसओ इमेज फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सेटअप फाइल को डाउनलोड करके रखा हूँ और जब मैं इसे यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एरर मैसेज आती है, वी आर नॉट श्योर व्हाट हैपेंड, वी आर अनेबल टू रन दिस टूल। ओके, और तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह का एक एरर मैसेज आती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ किस तरह से फ्रेंड्स आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि आपका सिस्टम 64 बिट है या फिर 32 बिट। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली दिस पीसी या फिर आप कंप्यूटर के राइट क्लिक, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सिंपली प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो फ्रेंड्स ये सिस्टम जो वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 64 आपको ये कन्फर्म कर लेना है और अगेन फ्रेंड्स इसके बाद आपको सिंपली कोई भी एक सर्चिंग वेबसाइट ओपन कर लेना है और यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर लिया हूँ और गूगल पे फ्रेंड्स आपको सिंपली टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग, आपको सिंपली टाइप करना है और इंटर हिट करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसका लिंक हालांकि मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली सर्च बॉक्स में टाइप करना है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स KV3140245। ओके, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है और सिंपली सर्च पे आपको क्लिक करना है या फिर आप इंटर प्रेस करते हैं कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं ये जो सिस्टम वो 64 बिट बेस्ड है और यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं विंडोज 7 और ये फ्रेंड्स इसके ऊपर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स विंडोज 7 64 बिट। ओके, यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो गया आपका 64 बिट। तो फ्रेंड्स हमें आज सिंपली यही को इसे ही डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड पर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक लिंक आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा राइट क्लिक और इस लिंक को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेना है। तो राइट क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पर फिर से एक आपको एक नया टैब ओपन करना है और इस लिंक को फ्रेंड्स यहाँ पर आप सिंपली इसे आप पेस्ट कर दें और पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो फ्रेंड्स ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड कम्प्लीट भी हो चुका है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन फ्रेंड्स यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट समय लग सकता है 5 मिनट। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सिंपली वेट एंड वॉच करना है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है अपने सिस्टम को एक बार जरूर रीस्टार्ट करें। ओके, तभी फ्रेंड्स ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू है और देन जब फ्रेंड्स ये डन हो जाएगा देन फ्रेंड्स आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर रीस्टार्ट का एक ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक रीस्टार्ट करना ही है। ओके, तो एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। सो फ्रेंड्स मैं अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लिया हूँ और यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो सेटअप था उसे मैं फिर से यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ और देखता हूँ फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है या फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो चुका है। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है और देन फ्रेंड्स यहाँ पे विंडोज 10 का आईएसओ इमेज फाइल डाउनलोड करने के बाद जो सेटअप आती है वो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सम टाइम वेट करना है और देन फ्रेंड्स आपको सिंपली नेक्स्ट करने के बाद आप विंडोज 10 का आईएसओ इमेज फाइल को डाउनलोड आप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह का टेक्निकल और डाउनलोड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे हमारी कोई भी नई अपडेट होगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलता हूं फ्रेंड्स आपसे एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।